CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। गुरुवार को कोतवाली थाना प्रभारी प्रीति भार्गव द्वारा पीजी कॉलेज पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकंजा कसा। गुरुवार को जब उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना जब थाना कोतवाली टीआई प्रीति भार्गव पीजी कॉलेज पहुंची और कॉलेज के बाहर खड़े युवकों से वहां रुकने की वजह पूछी गई, तो उचित वजह न बताने पर उक्त तत्वों की समझाइश दी कि आइंदा बिना किसी कारण यहां पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजरूओं को आज थाना टीआई ने समझाइश देकर छोड़ दिया, साथ ही हिदायत दी कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी प्रीति भार्गव द्वारा बताया गया है कि काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि पीजी कॉलेज और टैगोर हॉल के बाहर असामाजिक तत्व द्वारा लड़कियों से छेड़खानी की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते आज यहां कार्रवाई की गई है। क्या करते हो तुम, पढ़ते हो गए, हलवाई में चले आए थे, यहाँ क्या करने आए, मेरे को ये बताओ। लड़की को लेवाने आए, पड़ेगा साले थप्पड़ तो राइट हो जाएगा। आज काफी समय से सूचना आ रही थी कि स्कूल कॉलेज के बाहर कुछ असामाजिक तत्व खड़े हो जाते हैं, लड़कियों के बाहर आने जाने वाली लड़कियों पर कमेंट करते हैं, तो ये सूचनाएं कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो रही थी। उन्हीं सूचनाओं की तस्दीक हेतु आज मैं फोर्स से अभियान चलाया गया सभी स्कूल कॉलेज के बाहर, और जो भी संदिग्ध या असामाजिक तत्व हैं उनको चेक किया गया, उनको हिदायत और समझाइश दी गई कि आइंदा यहाँ पर खड़े ना हो। अगर इस तरीके से कोई असामाजिक कोई अवैधानिक गतिविधि करते हुए अगर आप पाए जाएंगे तो आपको उनके लिए दंडा भुगतान करें। मैम, अधिकांश लड़कियाँ डरती हैं शिकायत करने से, वो आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि उनको आपका नंबर मिल जाए या वो आपसे डायरेक्ट मिल सकें, जिससे उनकी हो सके। हाँ, थाने का नंबर उनको दिया गया है, 100 डायल के संबंध में भी बताया गया है, और जो महिलाओं के लिए जो महिला हेल्पलाइन का जो नंबर है वो भी उनको बताया गया है, और उनको समझाया गया है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी किस तरह की अगर कोई बात होती है तो तत्काल हमें सूचित करें, पुलिस सदैव उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ी है। क्या यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये कार्रवाई तो आगे भी जारी। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट।